नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस आर एस आई टी के जमीरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। बी बी एस सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग की यूनिट थर्ड से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जब हम एक कंपनी के ऑडिट की बात कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि हु इज़ एन ऑडिटर, कि ऑडिटर कौन होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसका ये मेंबर होता है। एन ऑडिटर इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गिविंग द रिपोर्ट देयर ऑन टू द शेयर होल्डर एवरी ईयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें ये रिपोर्ट अपनी पेश करता है और ये क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। फिर इसमें देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन में देखिए, अ कंपनी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं कंपनी ऑडिटर इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है इसका अपॉइंटमेंट होता है आपका किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन वन मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के एक महीने बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसका जो अपॉइंटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट जो ऑडिटर्स होते हैं, अपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट ऑडिटर एवरी ईयर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स द्वारा होता है। अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एन ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग अपॉइंटमेंट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर होता है इसका अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इट इज़ कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है यदि कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है। ओके, तो ये चार हो गए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओके, तो ये इस तरीके से चार तरीके से अपॉइंटमेंट अलग अलग द्वारा ऑडिटर जनरल द्वारा, ये ऑडिटर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, CAG है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है। ओके, और फिर हम देखते हैं, फिर इसमें आगे भी है अपॉइंटमेंट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन भी होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा क्या होता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट एन ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट एन ऑडिटर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द AGM एनुअल जनरल मीटिंग। अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, यदि कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो क्या होता है कि फिर अपॉइंटमेंट इसमें किया जाता है, दिस अपॉइंटमेंट टेक्स प्लेस एट द इवेंट ऑफ एन ऑडिटर्स रिटायरमेंट। ओके, और फिर क्या होता है, अपॉइंटमेंट थ्रू ऑडिट कमेटी, एक कमेटी होती है उसके द्वारा भी अपॉइंटमेंट होते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।